ने खेला कैसा गेम, देसी बाबू इंग्लिश में, रोज नया है एक प्लान, तीर कहीं तो कहीं कमान, टेंशन में है हर बंदा, कैसे चलेगा ये धंधा, भैंस के आगे बीन नहीं, इम्प्रोवाइज सीन नहीं, मतलब क्या है वट्टा सट्टा, जो नो कर वो जाकर भी, अंदर भी है बाहर भी, नमक है कम आटा ज्यादा, बिजनेस में घाटा ज्यादा, बैठ ना जाए इनका फट्टा, कुछ कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। आई 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 आ गया आ गया आ गया, आ गया। ये क्या बात है जी, मैं आया और तुम जा रहे, इसमें कौन सी नई बात है, आप जाते कम है और आते ज्यादा है, मैं आजकल वैसे ऑफिस के कामों में ज्यादा बिजी। चलो माने गए तुम मसरूफ है, ये बता रहेगा सीमा किधर है, वो किसी जरूरी काम से ना बाहर गई हुई है। फिर बदतमीजी, अब जो आपने पूछा वो मैंने बता दिया, अब मैं क्या सीमा मैडम बन के दिखाऊं आपको, पहले इंसान तो बन जाता मैं। यही सुनाने के लिए आपने मुझे रोका है। तुम्हारे घर में आया कुछ चाय कोई पानी कुछ शरबत कुछ तो पूछना रहा है, बताएं चाय पियेंगे पानी पियेंगे शरबत क्या लाऊं, यानी कि अब जो है खाने का भी नहीं पूछोगे तुम, घर में कद्दू पके हैं बोले तो ले आता हूँ कद्दू, मेरा मतलब है कि जानी हाँ वो बच्चों को बता देने कि मैं आया है। अच्छा मैं बिल्कुल अभी जाके बताओ, तेरे को तो मैं आया बताएगा बहुत बताएगा तुमको बात कर। हाँ बाबा ये वाली देखो बाबा क्या जबरदस्त गाय है बाबा, ये पूरा ना एक दिन में एक वक्त में बाबा 40 किलो दूध देती होगी बाबा, देखो देखो। हाँ और अगर इस गाय को तू केले खिला दे ना तो ये मिल्कशेक भी देगी। हाँ बाबा, अरे बाबा क्या बात करता है यार तू, भैंस और गायों पे ना PhD कर ले। अरे बाबा वो तो हमारी गाय खुद कर लेती है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ बाबा अब ये वाली देखो बाबा ये वाली। हाँ ये तो पक्की वही वाली है। कौन सी वाली बाबा? वही जिसको चारे की जगह पत्ती खिला दो तो दूध की जगह चाय देगी, वो भी दूध पत्ती। बच्चू भाई बच्चू भाई बच्चू भाई। हाँ बाबा जायला तो भी बोलो बीच में आ जाता है। बच्चू भाई आपके खास मेहमान आए। बाबा खास का क्या मतलब है, ये मेरे दोस्त है बाबा, ये खास नहीं है, ये हम है क्या? अरे आपके सुसर सेठ हशमत वो आपको बुला रहे हैं। अरे बाबा माफ करो बाबा, वो खास मेहमान नहीं है बाबा, वो तो खास मेजबान है, कोई खास काम होता है ना तब वापस जाते हैं, वरना यहीं पड़े रहते हैं। बुरी बात, बच्चू साहब सुसर बाप की जगह होता है। अरे बाबा अभी हमारे बाबा जानी ने जगह नहीं छोड़ी जो हम किसी और को दे दे। मेरा क्या, उन्होंने कहा कि आपको बता दें, मैंने आपको बता दिया, आगे आप आए ना आए मैं क्या करूं। हां बाबा जाओ जाओ जाओ, दिमाग खराब करने आ जाता है। बाबा ये वाली देखो बाबा ये वाली क्या, इसको अब ये मत बोलना कि इसको कोल्ड ड्रिंक पिला दो तो ये दूध सोडा देगी। जाने मेरे जाने ओ जाने, आए हाय कोने कोने बला क्यों जानी जानी लगो। अंकल आप अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं? अभी तक तो ठीक है। कब जाएंगे? शाबाश कब जाएंगे, हर बंदा हमको भगाने के चक्कर में रहता है, कब जाएंगे, अभी चले जाते हैं। आप भला हमारे भगाने से कौन सा भाग जाओगे, वैसे भी हमारे बेटी के घर है ना ये। आधा बोले आधा, ये मेरे अदा का भी घर है। तुमसे बात करना ऐसा है जैसे बकरे के आगे क्यों 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 गिटार बजाना का। बकरे के आगे गिटार बजाना? ओ अंकल जी, बकरे के आगे गिटार बजाना नहीं, भैंस के आगे बीन बजाना होता है। भैंस के आगे बीन बजाएगा या बकरे के आगे गिटार बजाएगा, कौन सा समझ आना किसी को? सीमा पता नहीं किधर मर गई है, मेरे तो सोने की बालियां ही गुम हो गई, मैं ढूंढ के आ रही हूँ। जी सेठ साहब आपने बुलाया मुझे। बहुत अच्छा, यानी तूफान आके चला गया, अब तुम इमदाद के लिए आया ना? लेकिन बाहर तो तेज धूप है। मैं तो ये बोल रहा था कि मैं इतना देर से आया हूँ। अब मुझे मालूम है चाय पानी ना? चाय पानी का बात नहीं है, मैं ये बोलता इतना देर से आया कोई हमसे मिलने नहीं आया, कब से बैठे? आ गया मेरा बेटा, आ गया मेरी बेटिया। अस्सलाम वालेकुम मैडम। ये क्या हाथ खोल के वर्जिश कर रहे हैं आप? हाँ डॉक्टर ने हमको बोला है कि इस उम्र में वर्जिश करना चाहिए ना। माशाल्लाह सेठ साहब क्या जबरदस्त कर रहे हैं, कहाँ से सीख? डॉक्टर ने आराम का नहीं बोला आपको क्या? हाँ उसने बोला कि जब बेटी के घर जाएगा ना
तो नौकरों से काम कराओ और खुद आराम करो। आप आराम करो, मैं कुछ काम ही करके आता हूँ। कितनी दफा बोला है कोई पार्टी शार्टी ही कर लो। मानो ना मानो, कितना भी कमा ले रहेगी ये कंजूस। बिल्कुल अपने पापा पे गई। ए तमीज से, मेरे पापा के बारे में कुछ बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे भाई, हम तो मजाक कर रहे थे, तू इतना सीरियस क्यों जाती है? कि मैं अपने पापा से बहुत प्यार करती हूँ, हर वक्त उन्हीं के बारे में सोचती रहती हूँ। मेरे दिल में ना उनके लिए बहुत इज्जत है। माफ करना यार, वैसा ऐसा कुछ हमने आज तक देखा तो नहीं, बस ऐसे ही बात मुंह से निकल गई। तो क्या मतलब, क्या मैं अपने पापा की इज्जत नहीं करती? अरे हमने ऐसा कब कहा, तुमने हमसे लड़ाई की कसम खाई हुई है। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, सुबह से आया, कोई लिफ्ट नहीं करा रहा, सोचा अपनी इज्जत आप बनाऊं मैं, वो भी कोशिश की नहीं बन सकती। क्यों, वो बच्चों मिलने नहीं आया आपसे पापा? बच्चों मिलने नहीं आया? बच्चों क्यों मिलेगा जब उसका बीवी हमको इग्नोर करके निकल गया, बच्चों क्या करेगा उसमें? पापा आप आ गए, लो मुझे पता ही नहीं चला। मेरे प्यारे पापा, मैंने देखा ही नहीं ना आपको। हाँ, मैंने तो सलमानी टोपी पहना था ना, नहीं देखा। अरे पापा, असल में हुआ यूँ कि मैंने इतनी थकी हुई आई थी, तो वो लाउंज में जब आप सोफे पे बैठे थे ना, तो उस वक्त मैंने आपको देखा ही नहीं। देखा नहीं था तुम? अंधेरा था ना? नहीं नहीं, अच्छा ये बताए ना, कुछ खाया, कुछ पिया और कैसे हैं आप? भला कितनी देर रहेंगे और वापस कब तक जाएंगे हैं? देख लो कितनी इज्जत करती हो अपने पापा के, कितना ख्याल है मुझे इनका। सबसे ज्यादा तुमने जोर जो दिया ना कि जाना कब है। नहीं पापा, चाय चाय पिलाओ पापा को। हाँ, मस्का मस्का मस्का। सीमा बाजी, मेरी सोने की बालियां किधर है? कौन सी बालियां? मेरी बालियां सोने की बालियां बाबा। सोने की? जिंदगी में कभी बिस्तर पे सोने के अलावा कोई और सोना देखा है तुमने? आई पड़ी सोने की बालियां। आखिरी बार मैं तुमसे पूछ रही हूँ, मेरे को बता दो शराब पसे, नहीं तो पुलिस को बुला लूंगी मैं भी। तो तुम क्या कहना चाह रही हो, कि मैंने तुम्हारी बालियां छुपाई हुई है? नहीं। तो फिर? छुपाई नहीं है, चोरी की है। तुमने मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाया? नहीं। ये भी नहीं तो फिर मसला क्या है? अरे बाबा मैं इल्जाम नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि तुमने चोरी की है। अरे, 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 एक सेकंड, एक सेकंड यार, रेसलिंग में ब्रेक भी आती है, थोड़ा वक्फा ही ले ले। लंदन वाला क्लाइंट बार बार फोन करे जा रहा है कि हराम है जो उसका रापता हो रहा है, लंदन से वो लांडी पहुंच गया है। क्या मैंने भी इसको कह दिया कि सीमा मैडम अपनी नन से लड़ रही है, तो कह रहा है जैसी ब्रेक आ रहा तो मेरी बात करा देना। लीजिए बात कर। हेलो, म्यूट पे, म्यूट। हेलो जी, मैं अपनी नन से लड़ रही थी, मतलब मैं ऑर्डर पढ़ रही थी, आपका परचेज ऑर्डर बड़ी डिटेल में मैं पढ़ रही थी कॉन्सेंट्रेशन के साथ। जी 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 जी। ओ इधर दे। ओ अंकल क्या हो गया भला? हेलो, रेसलिंग में भी इतने लंबे लंबे वक्फे आ जाते हैं, तुमने फौरन से फरंगी अंकल फोन कर लिया, तुम देख नहीं रहे हो हम लोग आपस में लड़ाई कर रहे हैं, अगर बात करनी भी है ना तो तुम जेल में फोन कर लेना, ठीक है? अभी बंद करो, खून पी गया तुम। रखो, आप जेल जा रही क्या? नहीं, ये जा रही है। हाँ, मैं इसका कत्ल करने के बाद। तमीज से बात करो, एक तो मेरी बालियां चोरी कर दी, ऊपर से मुझे कत्ल की धमकी देती है ये। तुमने मुझ पर फिर चोरी का इल्जाम लगाया, ऊपर से मेरे क्लाइंट के साथ बदतमीजी की, मैं बता रही हूँ तुम्हें, छोड़ूंगी नहीं, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी, आज मेरे हाथों तुम कत्ल होगी। जानी जानी छुरी लेकर आओ, मैं कहती हूँ जल्दी जाओ छुरी लेकर आओ। याद रखना आज का दिन, आज तुम्हारी जिंदगी का आखिरी। चल चल, बहुत देखे मैंने तेरे जैसे, बड़ी आई। क्या हुआ? क्या चोरी कहाँ है? चोरी तुम इसको मारने के लिए लेकर आए हो? बर्तन मैले पड़े हुए थे ना, तो यही साफ थी, ये मैं ले आया। जॉनी, तुमने सुबह से बर्तन तक नहीं धोए, ये लो इससे ना जैम लगा के खा लेना। इससे के लिए तो ये सही है, क्या ख्याल है जॉनी, बर्तन सही धोया करो। जाओ जॉनी, ढूंढो मेरे बालियां चोरी कर लिए इस बोर्डम ने, कहीं ना कहीं छुपा गई होंगी इसने, कहीं ना कहीं होंगी, देख लेना। रीना मैडम, वक्त पे इलाज होता आप ऐसी ना होती। खट्टा मीठा, खट्टा मीठा। मैडम हौसला करें, हौसला करें, वैसे आज तो आपने मार ही देना था उनको। अफसोस मुझे इस बात का नहीं कि मैं उसे मार नहीं सकी। मुझे पता है आपको अफसोस इस बात का है कि उसने आपको चोर कहा। नहीं जान,
अफसोस मुझे इस बात का है कि किचन में सारे के सारे बर्तन यूं ही गंदे पड़े हैं। तुमने सुबह से बर्तन नहीं धोए, अब तनख्वाह काटनी पड़ेगी ना मुझे तुम्हारी। बदले की आग में आपको तनख्वाह काटने की पड़ी हुई है? नहीं, बदला तुम्हें लूंगी। अरे बाबा बेगम, क्या हो गया, इतनी उदास क्यों है? मेरा ख्याल से ये आगे, अब मैं चलता हूँ। बच्चों, जरीना ने ना मुझे चोर कहा है, इल्जाम लगाया कि मैंने उसकी वो सड़ी की बालियां चोरी की हैं। अरे बाबा, उन बालियों को ऐसा ना बोले बाबा, वो हमारी खाला डड्डो ने ना जरीना को तोहफा दिया। खाला डड्डो, ये कैसा नाम हुआ बाबा? अरे बाबा, आपको नाम से क्या लेना है, चले छोड़े ना इस बात को, मैं उसको नहीं बनवा दूंगा, आप फिक्र ना करें। क्यों, तुम क्यों बनवा के दोगे? अरे बाबा, वो बहन है ना मेरी, उसका भी हक है। आप सब छोड़े, अपना मूड अच्छा करें, बाहर आपके वैसे ही पप्पू आए हुए हैं। नहीं पापा। अरे वो तो मैंने ऐसे ही बोला था आपको हंसाने के लिए। अच्छा, मैं वो आपके पापा जानी के पास बैठा हूँ लाउंज में, ठीक है? वो बोर हो रहे होंगे बैठ के, उनको देखता हूँ क्या है। कुछ भी हो जाए, बदला तो मैं लूंगी, मगर लूं कैसे? जमाल खोटा, एक बार चले आओ। हाय 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 हाय, एक बार जानी, तुम हटो, मैं सबके लिए चाय लेके जाऊंगी। ऐसा कैसे, क्यों, ऐसा क्यों नहीं हो सकता? कभी आप आई नहीं ना चाय बनाने। हाँ, बस वो मैं सोच रही थी कि मैंने इतना गुस्सा किया है सब लोगों पर, अपने हाथों से चाय पिलाऊंगी तो खुश हो जाएंगे, और वैसे भी पापा आए हुए हैं ना। पापा? पापा तो रोज ही आते हैं, कोई नहीं बात करे। ओहो, कह रही हूँ ना, बस अब तुम जाओ, मैं लेकर आऊंगी चाय। पत्ती और वो दूध, दूध जहाँ पड़ा हुआ, ठीक है? अब चीनी कहाँ है? चीनी भी वहीं पड़ी है। अच्छा, इस कप में जो मैं पिलाऊंगी सरीना को। अरे बाबा, ये मैं क्या देख रहा हूँ? मुझे चाय लाता देख रहे हो और क्या? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? बस कुछ नहीं, मैंने ऐसे ही सोचा कि क्यों ना सबके लिए मैं अपने हाथों से चाय बनाऊं, खास करके जरीना के लिए। वैसे पापा जानी कहाँ हैं? पापा जानी जो है ना, रिफ्रेशमेंट के लिए बाथरूम गए हैं। बाथरूम में रिफ्रेशमेंट के लिए नहीं, फ्रेश होने के लिए जाते हैं। वही 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 पापा। सुनो, हाथ नहीं, सब साथ मिलकर पियेंगे ना, मैं सबको, बल्कि जरीना को मैं बुला कर लाती हूँ, सब मिलके एक साथ पियेंगे, ठीक है? अच्छा अच्छा, मैं जरा जरीना को लेके आती हूँ। जरीना, ओहो छोड़ो ना नाराजगी, मैं माफी मांगती हूँ, मैंने तुमसे ज्यादा बदतमीजी कर दी, लेकिन देखो तुम्हारी बालियां मैंने नहीं चुराई भाई, अगर घर में नहीं मिलेंगी ना तो मैं वादा करती हूँ मैं तुम्हें नई बनवा के दूंगी, बस अब खुश? सच्ची? हाँ हाँ, और देखो तुम अब नाराज थी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने तुम्हारे लिए ना गर्मा गर्म चाय बनाई है खुद अपने हाथों से। मेरे लिए चाय बनाई है अपने हाथों से? हम्म, चलो बाबा, फिर तो मैं लाजमी पीऊंगी क्योंकि तुम्हारे हाथों से जब बनी हुई है। आजो आजो, चलो 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 चलो, बड़ा मजा आएगा आज तो तुम्हें चाय का। आओ ना, आओ आओ ना जरीना, आओ, गर्मा गर्म चाय है। बस पापा भी आ ही रहे होंगे, फिर उसके बाद हम लोग चाय वाय पीते हैं, ठीक है? ओहो बच्चों, ये नंबर ना सुबह से मुझे तंग किया जा रहा है, पता नहीं कौन है, जरा देखो कौन है ये। यह देखो, योने का चाय लगता है, योने का। पापा, क्या हो गया? ये क्या किया आपने? ये तो जरीना की चाय थी। इसमें जो जाफरन था, जो स्पेशल चाय था, उसको दूसरी दे देने का। बात करता है। हाँ हाँ, मजा आ गया चाय का। नाराज हो गए? कैसे बात पे नाराज हो गए जी? अरे
अरे आज तुम्हारे पापा जानी ने बाथरूम जाने का ना रिकॉर्ड कायम कर दिया है। जिंदगी में कभी इतनी दफा वॉशरूम नहीं गया जितना आज गया है। पापा पापा डॉक्टर को बुलवा लें, क्या ख्याल है आपका? डॉक्टर को बुलाओ या हकीम को बुलाओ, जिसको। पापा क्या हो गया? पापा मेरे पापा को क्या हो गया? मेरे ख्याल में बाबा इनको जो ना आराम करने देना चाहिए। चलो हम बाहर चलते हैं। ठीक हो जाएंगे ना पापा? हाँ बाबा हो जाएंगे। आ जाओ। खट्टा मीठा खट्टा मीठा। जितनी भी ये मेरे से माफिया मांग ले, मैं भी इसको छोड़ूंगी नहीं, क्योंकि इसने मुझे कत्ल करने का मंसूबा बनाया। अभी देखो मैं भी इसको कितनी लंबी नींद सुनाऊंगी, ये याद करेगी। बोड़ा। अरे क्या हो गया जरीना, क्या कर रही है? क्या मतलब है बाबा, क्या मैं टहल नहीं सकती हूँ क्या? मैं तो चाहती हूँ तुम टहल ही जाओ। भाजाई अंकल की तबीयत कैसी है? वो बहुत निढाल पड़े बेचारे। पता नहीं बाबा किस मनुष्य की वजह से उनकी ये हालत है। बाबा मैं तो कहता हूँ कि उनका जो बिस्तर है ना वो बाथरूम में लगा देते हैं कुछ दिनों के लिए। बच्चू भाजाई तुम वैसे भी बहुत ज्यादा परेशान हो, मैं ऐसा करती हूँ कि मैं सबके लिए ठंडा शरबत बना के लाती हूँ, ठीक है? अरे बाबा ये जो तुम दोनों की मोहब्बत है ना मुझसे कुछ हजम नहीं हो रही है, और लगता है पापा जाने से भी हजम नहीं हुई है, इसीलिए उनका ये हाल हुआ है ना। नहीं नहीं है, ऐसी कोई बात है ही नहीं। चलो खैर जैसे भी बात है, मैं शरबत लेकर आती हूँ, रुको इधर ही तुम लोग ठहरो। अल्लाह खैर करे बाबा, शरबत पिला रही है, कभी इसने काम नहीं किया, बावर्ची खाने में नहीं गई है, शरबत बना रही है। जिया करे धक धक अखियों में अखियां डाल के ना थक फिक्का। जानी क्या कर रहे हो? शरबत बना रहा हूँ। अरे जानी मैं बनाती हूँ ना शरबत आज सब के लिए। शरबत तो मैंने बना लिया, वैसे पहले सीमा मैडम और अब आप। अल्लाह खैर करे, अल्लाह ऐसी लड़ाइयां रोज करवा। अच्छा ज्यादा बातें करने की जरूरत नहीं, चलो अंदर में आ रही हूँ शरबत लेके। मुझे क्या बना ले? ठीक है। अभी तो देख बोड़म कहीं की ना, तो अपने आप को बोड़म समझती है सीमा। बोड़म ये शरबत मिला कर देखना, मैं तेरे को दो चार दिन के लिए तो सुला दूंगी, मरेगी तो नहीं लेकिन दो चार दिन तो सो ही जाएगी। तरीना से पंगा लेने का अंजाम अभी देख क्या होता है। ये लो सबके लिए मैं अपने हाथ से शरबत बना के लेकर आई हूँ। वाह 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 वाह, क्या बात है क्या बात है। ये वाला नहीं, ये वाला कौन सा ले? ये हाँ ये वाला। वाह वाह शरबत, वॉशरूम जाकर के हम कमजोर हो गया था। अरे अंकल ये क्या कर रहे हैं? ये वाला नहीं, ये वाला पी ले। वेरी गुड, बेहतरीन हो गया। जाना ही पापा, जान में जाना ही। हाँ पापा पापा अरे पापा जानी हम यहाँ से डायरेक्ट जा रहे हैं हॉस्पिटल बाबा। अरे पापा जानी अंकल अंकल उठो अंकल। अरे पापा जानी फिक्र ना करे बाबा, हम यहाँ से सीधा अस्पताल ले जाएंगे बाबा। अरे पापा अंकल पापा वो मुझे आपको बताना था कि अरे पापा 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 वो जो चाय थी ना उसमें मैंने जमाल खोटा मिलाया था, लेकिन वो जरीना के लिए था। और इस शरबत में भी ना मैंने नींद की गोलियां मिला दी थी, लेकिन मेरे को क्या पता था कि ये शरबत अंकल पी जाएगा। तुम होश में तो हो जरीना, तुमने नींद की गोलियां ही मिला दी। और तुम क्या होश में थी जब तुमने जमाल खोटा मिलाया था? हरकत ना तुम याद रखना, तुम भी याद रखना। कैसे हो? अरे बुड्ढो तो सुनो,
जी जी हम ही लोग दूध बेचते हैं। मैं इस कारोबार की और इस पूरे घर की मालिक हूँ। इस पर तो तुम्हें कमीशन भी मिलेगा, तुम खुश हो? तनख्वाह मिल नहीं रही, कमीशन की बात कर रही हैं आप? तुम ये इनकलाबी बातें मत करो। सारा दिन घर में फारिग घूमती रहती है, इस तरह तो घर का भी बेड़ा गर्क होगा और कारोबार का भी। तो फिर क्या किया जाए? अब अधूरी तनख्वाह में पूरे आइडियाज तो नहीं आते। मैंने सब सुन लिया है, अब मुझे पता चला कि इस घर में भाजाई नहीं बल्कि तुम मेरे दुश्मन हो। अरे जरीना कैसी बात करती है, मैं तेरा दुश्मन कैसे हो सकता हूँ? ऐसे जैसे तुम कर रहे हो, इस फाउंड स्टिक को आपने ऐसे भर भर के अपने इस खूबसूरत चेहरे पे थप 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 के लगाना है, ठीक है? इम्प्रोवाइज नहीं, मतलब क्या है बट्टा सट्टा, जोनो कर वो जाकर भी, अंदर भी है बाहर भी, नमक है कम आटा ज्यादा, बिजनेस में घाटा ज्यादा, बैठ ना जाए इनका फट्टा, कुछ कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा।